हेलो दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास देखिए स्प्लेंडर BS4 बाइक आया हुआ है। और इसमें दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी कॉइल है, इसमें बहुत सारा कॉइल रहता है, बहुत सारा कॉइल रहता है। मान लीजिए हमारा इग्निशन कॉइल है और हमारा CDI है और इसमें पिकअप कॉइल भी है और इसमें बहुत सारा कॉइल है, RR यूनिट है। मान लीजिए कभी कॉइल में हमारा फॉल्ट आ जाए, मान लीजिए यही कॉइल में फॉल्ट आ जाए या CDI में फॉल्ट आ जाए या पिकअप कॉइल में फॉल्ट आ जाए, कोई भी कॉइल में अगर फॉल्ट आ जाता है और उसको हम क्या करते हैं, इसमें नया लगा देते हैं। और इसको बिना चेक किए हुए अगर कोई भी कॉइल को बिना चेक किए हुए अगर इसमें नया लगाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि ये सही है और इसको हम नया दुकान से ला करके इसमें नया लगा दिए, लाने के बाद में फिर से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर से वही प्रॉब्लम हुआ, तो क्या होता है दोस्तों, जो ग्राहक होता है उनका जो पैसा होता है वेस्ट चला जाता है। क्योंकि ये जो कॉइल है, कोई भी कॉइल है, अगर दुकान से लाने के बाद में जब इसका पैकिंग खोल देते हैं, मान लीजिए CDI है, CDI नया लाए हैं और उसका जो पैकिंग है उसको अगर एक बार खोल देते हैं तो फिर ये हमारा रिटर्न नहीं होता है। तो क्यों ना दोस्तों ये ख़राब है या सही है, तो क्यों ना इसको एक बार चेक करें। कोई भी मैकेनिक इसको ऊपर से देख करके नहीं बता सकता है कि वो ये जो कॉइल है ये ख़राब है या सही है, कोई भी मैकेनिक इसको ऊपर से देख करके नहीं बता सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा कि हमारा ख़राब है या सही है। तो इसको किस तरह से चेक किया जाता है, तो सारा जो बाइक में सारा कॉइल है सब मैं आपको एक ही वीडियो में चेक करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दिखाऊंगा कि जो हमारा इग्निशन कॉइल है ये ख़राब होता है तो इसको किस तरह से चेक किया जाता है मल्टीमीटर से, और उसके बाद में बताऊँगा CDI किस तरह से चेक किया जाता है, उसके बाद में हमारा RR यूनिट है, उसके बाद पिकअप कॉइल है, सारा चीज़ वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों इग्निशन कॉइल हम अगर ये ख़राब हो गया है तो क्यों ना इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा दो कॉइल रहता है, दोनों कॉइल को मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से चेक किया जाता है। जो भी मल्टीमीटर होगा, मल्टीमीटर का जो तीर का निशान है, तीर का निशान को एक कॉइल को चेक करने के लिए यहाँ पे 200 ओम पे लाएंगे, तीर का निशान 200 ओम पे लाने के बाद में जो हमारा इग्निशन कॉइल है, इग्निशन कॉइल को क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर का वायर है इसमें हम अटैच करेंगे। यहाँ पे हमारा जो ब्लैक कलर का ये है, ये हमारा प्लस है, इसमें अटैच करेंगे, अर्थ है हमारा यही सी में है, इसमें हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में देखिए हमारा 1.4 आ रहा है, 1.4 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सही है। और रीडिंग हमारा जो रीडिंग है, मल्टीमीटर का रीडिंग इधर उधर भी हो सकता है, देखिए 1.4 आ रहा है, ये हमारा 1.8 नहीं आना चाहिए। हमारा जो रीडिंग है, रीडिंग भी इधर उधर होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मल्टीमीटर है वो बहुत सा कंपनी का आ गया है, तो रीडिंग इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है। और उसके बाद में जो दूसरा कॉइल है, इसमें दो कॉइल रहता है, दोनों कॉइल को एक कॉइल हम चेक करके दिखा दिए, और दूसरा कॉइल चेक करने के लिए जो मल्टीमीटर का जो तीर का निशान है, यहाँ पर हम 20K ओम है उसमें चेक करेंगे। वहाँ पर लगाने के बाद में देखिए जो हमारा जो मल्टीमीटर का रेड कलर का वायर है, रेड कलर का वायर को जो हमारा इग्निशन का जो वायर है इसमें हम अटैच कर देंगे और एक वायर हम यहाँ पे ब्लैक कलर के वायर में अटैच करेंगे। देखिए हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, 12.9798 आ रहा है, तो इतना हमारा आना चाहिए। और थोड़ा सा रीडिंग इधर उधर भी हो सकता है, तो ये हमारा कन्फर्म हो गया कि जो हमारा इग्निशन कॉइल है ये सही है। ये तो हमारा इग्निशन कॉइल चेक कर लें कि ये हमारा सही है। अगर इग्निशन कॉइल ख़राब होता, अगर यहाँ पे इग्निशन कॉइल ख़राब होता तो जिस तरह से मैं ये चेक किया हूँ तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं शो करता, बिल्कुल ही ख़राब हो गया होता। तो इसके बाद में मैं पिकअप कॉइल को चेक करके दिखा दूँ, तो पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए जो हमारा मल्टीमीटर का तीर का निशान है इसको हम यहाँ पर लाएंगे, बीप के निशान पर लाएंगे, कंटिन्यूटी मोड के निशान पर लाएंगे। और उसके बाद में चेक करके मैं दिखा दूँ कि जो हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर कहीं हमारा शॉर्ट तो नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए पे अगर हम अटैच करेंगे तो इसमें हमारा बीप का साउंड सुनाई देगा। देखिए साउंड सुनाई दे रहा है, तब हम पिकअप कॉइल को इसी कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके देखेंगे। पिकअप कॉइल चेक करना है, पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का जो वायर है रेड कलर का इसमें अटैच कर देंगे। अर्थ को हम बॉडी में भी यहाँ से अटैच करके दिखा सकते हैं कि इसमें हमारा कितना रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा अटैच करने के बाद में देखिए हमारा 240 आ रहा है, आपको दिखा दें, यहाँ पे हमारा 240 आ रहा है, और ये हमारा 150 से कम नहीं आना चाहिए और 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से पिकअप कॉइल चेक किया जाता है, तो हमारा जो पिकअप कॉइल है, पिकअप कॉइल सही है। उसके बाद में अब मैं आपको दिखा दूँ, पिकअप कॉइल सही है, इग्निशन कॉइल सही है। देखिए दोस्तों पिकअप कॉइल हम चेक कर लिए हैं, पिकअप कॉइल चेक किए हैं, यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी मोड था यहाँ पे चेक किए हैं, और उसके बाद में मैग्नेट कॉइल हम चेक करेंगे। मैग्नेट कॉइल चेक करने के लिए यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी मोड पे इसको रखना है, इसको इधर उधर नहीं करना है। उसके बाद में हम मैग्नेट कॉइल चेक करेंगे। मैग्नेट कॉइल में चेक करने के लिए देखिए हम जो व्हाइट कलर का वायर है इसमें हम चेक करेंगे। व्हाइट कलर का जो वायर है इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का एक वायर अटैच करेंगे, जो हमारा मेन वायर है मल्टीमीटर का, इसमें हम व्हाइट कलर के वायर में अटैच कर देंगे। अटैच हो गया, उसके बाद में अर्थ को हम अटैच करके दिखाएंगे कि हमारा इसमें क्या हो रहा है। देखिए अर्थ का जो वायर है, अर्थ का वायर हम इसमें अर्थ में हमारा यहाँ पे होल्ड कर देंगे। देखिए होल्ड करने के बाद आप सुनिएगा, इसमें साउंड सुनाई देगा। देखिए होल्ड करने के बाद इसमें साउंड सुनाई दे रहा होगा, बीप का साउंड सुनाई दे रहा होगा। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो हमारा मैग्नेट कॉइल है, मैग्नेट कॉइल सही है। अगर मैग्नेट कॉइल में कोई फॉल्ट रहता तो क्या होता दोस्तों, ये साउंड हमारा सुनाई नहीं देता। देखिए
मैग्नेट कोयल अगर हमारा ख़राब होता तो ये जो इसमें साउंड आपको सुनाई दे रहा है साउंड सुनाई नहीं देता, तो हमारा कन्फर्म हो गया कि हमारा मैग्नेट कोयल सही है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा CDI अगर ख़राब हो जाए तो CDI को किस तरह से चेक किया जाता है, CDI को भी चेक किया जाता है, इसको भी मैं आपको मल्टीमीटर की मदद से बताऊँगा कि CDI अगर ख़राब हो जाए तो CDI को किस तरह से चेक किया जाता है। देखिए दोस्तों CDI चेक करने के लिए मल्टीमीटर का जो हमारा तीर का निशान है कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे, और एक बार और आपको दिखा दें, देखिए हमारा कंटिन्यूटी मोड है। उसके बाद में ये जो इसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पर जो हमारा 4 टर्मिनल है इसमें हमारा किसी में भी थोड़ा सा भी कोई भी साउंड आना चाहिए, तो इसको हम ऐसे माइनस प्लस नहीं, बस इसको आपस में अटैच करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जब हम ऐसे अटैच कर रहे हैं तो हमारा इसमें शो कर रहा है मल्टीमीटर में, आपको देखिएगा मल्टीमीटर में हमारा शो कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा जो CDI है CDI सही है। अगर इस तरह से आपको नहीं आ रहा है तो वायर जो है वायर को इधर उधर भी करके देख सकते हैं, कोई भी दो वायर में ऐसे अटैच करने के बाद में कुछ भी इसमें मल्टीमीटर में शो करना चाहिए। तो हमारा कन्फर्म हो गया कि CDI हमारा सही है। अगर CDI ख़राब होता तो चारों जो टर्मिनल कुछ भी इसमें हमारा शो नहीं करता, तो कन्फर्म हो गया कि CDI हमारा सही है। और दोस्तों आप बाइक का RR यूनिट, यहाँ पर RR यूनिट चेक करना चाहते हैं, तो चेक करने के लिए अगर आपका बाइक का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, बाइक आपका चल रहा है और चलने के बाद में बाइक का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो RR यूनिट चेक किया जाता है। RR यूनिट चेक करने के लिए मल्टीमीटर से चेक करना है, तो मल्टीमीटर को जो तीर के निशान है हम 20 वोल्टेज पे, यहाँ पे हम 20 वोल्टेज पर सेट कर देंगे। देखिए हमारा 20 वोल्टेज पर सेट हो गया, उसके बाद में इसमें हमारा रीडिंग आना चाहिए। देखिए इसमें जो बैटरी है हमारा बैटरी में 12 वोल्ट का करंट रहता है, तो यहाँ 12 वोल्ट का करंट आएगा। देखिए बैटरी चार्ज रहेगा तो बैटरी में 12 वोल्ट का करंट आएगा, देखिए 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। उसके बाद में इसको चेक करेंगे कि जो हमारा RR यूनिट है वो ख़राब है वो सही है। इसको चेक करने के लिए पहले बाइक को स्टार्ट कर लेंगे, बाइक स्टार्ट करके उसके बाद ये जो इसमें हमारा रीडिंग अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, 12 से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो समझ जाएंगे कि हमारा RR यूनिट सही है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा RR यूनिट ख़राब है। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद एक्सेलेरेटर लेने के बाद में तो हमारा RR जो रीडिंग है वो बढ़ेगा। तो चलिए बाइक को हम स्टार्ट कर लिए हैं, स्टार्ट करने के बाद में बैटरी के टर्मिनल में यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, और देखिए जैसे जैसे एक्सेलेरेटर लेंगे जैसे जैसे हमारा रीडिंग बढ़ रहा है। देखिए 14 पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ हमारा बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है, जितना एक्सेलेरेटर लेंगे जितना इसमें हमारा बढ़ेगा, और छोड़ने के बाद में देखिए हमारा 12 पॉइंट आ जाएगा। तो समझिए कि जो हमारा RR यूनिट है RR यूनिट हमारा सही है। तो दोस्तों मल्टीमीटर से इसी तरह से हम कोई भी कॉइल को चेक कर सकते हैं। अगर चेक नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हम दूसरा अगर कोई भी कॉइल दूसरा लेकर लाते हैं और लगाने के बाद में फिर से वही प्रॉब्लम रहता है, तो जो हमारा ग्राहक होता है बहुत ही इरिटेट होता है। तो कभी भी कोई भी कॉइल चेंज करने से पहले उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद में फिर उसको चेंज कीजिए। तो दोस्तों जिस तरह मैं चेक किया हूँ, इतना ज़रूरी नहीं कि उतना ही रीडिंग आएगा, रीडिंग थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीमीटर का जो कंपनी है बहुत सारा कंपनी आ गया है, उसको अगर चेक कीजिएगा तो मल्टीमीटर में 2-4 पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है रीडिंग, तो आपको उससे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 2-4 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।